इमरान खान ने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में बैरूनी साजिश की अपनी थ्योरी को खुद ही मुस्तरद कर दिया। ज्यादती सियासत के लिए सिफारती तालुकात को नुकसान पहुंचाया। इस शख्स की मकारी और झूठ से कौमी एतमाद को ठेस पहुंची। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत में तौसी पर होने वाली कानून साजी खत्म होनी चाहिए। एक्सटेंशन का मामला हर आर्मी चीफ को डिस्टर्ब रखेगा। राणा सनाउल्ला का इंटरव्यू। नए सिपाह सलार का नाम चंद रोज में सामने आ जाएगा। ऐसे फैसले मुशावरत से ही होते हैं। तीन या चार सीनियर लोगों में से किसी की सियासी बंदे से मुलाकात नहीं हुई। वफाकी वजीर दाखिला। आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला अभी नहीं हुआ, ना ही मुशावरत हुई, सब अखबारी खबरें हैं। मशवरा वजीर आजम की सवाबदीद है, वही फैसला करेंगे। वजीर दिफा की मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान को आज भी एम्पायर की उंगली का इंतजार है। अमरीकी साजिश का झूठा बयानिया बनाया, अब कहा जा रहा है ये माजी का हिस्सा है, इसे भूल जाए। कौमी मफादात के साथ खिलवाड़ पर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में गरज बरस। इलेक्शन और आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से फैसले लंदन में हो रहे हैं। मफरूर शख्स से मुशावरत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। इमरान खान का तैनाती पर मुशावरत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंडिया। अमरीका समेत तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, गुलामी किसी की नहीं करेंगे। मुखालिफीन ने मेरे बयान को गलत अंदाज में फैलाया। चेयरमैन पीटीआई का वीडियो लिंक के जरिए लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब। इमरान खान पर हमले की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर और कोयटा में पीटीआई का असेंबली ने अदालत से रजू कर लिया। एफआईआर में नामजद मुलजिमान के नाम शामिल न करने का इकदाम चैलेंज। आजम सबाती के वाक़े पर कार्रवाई और अरशद शरीफ के पसमानगान की दादरसी की भी इस्तदा। तमाम वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। पीटीआई के लॉन्ग मार्च का जीटी रोड पर सफर। मंडी बहाउद्दीन में पड़ाव, कारकुनों के नारे। आवाम आइंदा इमरान खान को दो तिहाई अक्सरियत दिलाएं ताकि उन्हें कोई ब्लैकमेल न कर सके। सफर कारकुन कर रहे हैं और दिल के अस्पताल में कोई और शख्स पहुंच गया। शाह महमूद कुरैशी का शुरका से खिताब। लॉन्ग मार्च के दूसरे काफिले का फैसलाबाद के इलाके चक झुमरा में क्याम। मुख्तलिफ इलाकों में हकीकी आज़ादी मार्च का इस्तकबाल। इमरान खान ने कौम को झुकने नहीं दिया। बुजदिलाना कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं, हौसले बुलंद हैं। वजीर मवासलात पंजाब अली अफजल साहि का कारकुनों से खिताब। जो कप्तान से गद्दारी करेगा उसकी सियासत दाफन हो जाएगी। असद उमर। इमरान खान पर कातिलाना हमले की एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। पाकिस्तान में बंद कमरों में फैसले नहीं हो सकते। हमारी लड़ाई जमहूरियत और आईन की बहाली के लिए है। रिजीम चेंज से पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। फवाद चौधरी। इमरान खान पर हमले की एफआईआर तहरीके इंसाफ की मर्जी के मुताबिक दर्ज होनी चाहिए। आवाम चाहते हैं जो भी मुलव्वस हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अली जैदी। वजीराबाद में पीटीआई के लॉन्ग मार्च पर फायरिंग का मामला। जामहाट मौसम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। दुनिया न्यूज़ पर मौसम की हलाकत किसी बड़े हथियार की गोली से हुई। रिपोर्ट में इंकशाफ। पीटीआई वर्कर को फ्रंट साइड पर दाएं जानब आंखों से 7 सेंटीमीटर ऊपर गोली लगी। रिपोर्ट के मतलब ने हकीकत खोल दी। इक्तिसादी राबता कमेटी ने किसान पैकेज की मंजूरी दे दी। ज़रई कर्जों का हजम 1419 अरब से बढ़ाकर 1800
2 अरब रुपए कर दिया गया। डीएपी खाद की कीमत में कमी, 3 लाख ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए बिला सूद कर्जे देने का फैसला। कामयाब जवान स्कीम का नाम तब्दील, नया नाम वज़ीर आज़म यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चरल लोन स्कीम रख दिया गया। नैब कवानीन में तरामीम, ट्रायल इतना मुश्किल बना दिया गया कि बदउनवानी साबित हो ही नहीं सकती। करप्शन को इतना दर्दनाक जुर्म बनाना चाहिए कि कोई हिम्मत ना कर सके। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस एजाज़ुल अहसन के रिमार्क्स, अदालत आज फिर मुकदमा सुनेगी। चेयरमैन पीटीआई के वकील को 17 नवम्बर तक दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। सड़कों की बंदिश के खिलाफ केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर आईजी को बुला लिया। पूरे इस्लामाबाद में कंटेनर ऐसे पड़े हैं जैसे कोई और ही हालात हों। अच्छी सी फोर्स क्यों नहीं बनाते, कंटेनर लगाने के बजाय कोई और तरीका इस्तेमाल क्यों नहीं करते। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स।